भाई लोग, क्या हालचाल। फाइनली टाइम आ चुका है OnePlus के न्यू OnePlus 7 या कहे तो OnePlus 7 Pro को रिवील्ड करने का। सो मैं अगर आपको कहूं कि मैं आज आपको इस वीडियो में OnePlus के न्यू OnePlus 7 या कहे तो OnePlus 7 Pro के सारे स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, प्राइसिंग 100% भी नहीं 200% सही मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। रियली निगा, बट सही में दोस्तों OnePlus के न्यू OnePlus 7, 7 Pro एंड 7 Pro 5G के सारे डिटेल ऑफिशियल हो चुका है रिसेंट लीक्स और OnePlus के ही ऑफिशियल ट्वीट्स के थ्रू। सो वही आपको भी अगर लेना है OnePlus के न्यू 7 सीरीज के स्मार्टफोन तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। आप अगर इस वीडियो को एक बार फुल देख लेते हो तब को और कहीं जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटीड के साथ बोल सकता हूँ। सारे सही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से ही मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्साइटिंग वीडियो आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द OnePlus 7 सीरीज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि OnePlus 7 सीरीज को लॉन्च करने वाला है उनकी इवेंट पर, तो यहां पर OnePlus एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन फोन को लॉन्च करने जा रहा है, जो कि होगा OnePlus 7, OnePlus 7 Pro और उसी के साथ एक 5G वेरिएंट भी आएगा जो कि होगा OnePlus 7 Pro 5G। तो सबसे पहले जान लेते हैं द बेसिक वर्जन की जो कि होगा OnePlus 7। तो इसको आप अगर एकदम पहली टाइम देखोगे तो इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि ये OnePlus 60 है या OnePlus 7 है, क्योंकि इसमें लुक एंड डिजाइन वाइज कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। आप अगर एक टाइम देखोगे तो ये आपको OnePlus 60 की तरह ही लगेगा। हाँ मुझे पता है आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहा होगा, लेकिन यही सच है दोस्तों, इसमें कोई भी डिजाइन में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर बात करें प्रोसेसर की, कोर हार्डवेयर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। जैसे अगर बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 आएगा, उसी के साथ एड्रीनो 640 इसका जीपीयू होगा। जैसे कि आपको पता ही है तो आपको प्रोसेसर में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही कैमरा में भी आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि कैमरा होगा इसका प्राइमरी जो लेंस होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का f1.75 सेंसर वाला कैमरा होगा जो कि होगा सोनी IMX586। और उसी के साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें एक डेप्थ सेंसर भी आएगा 5 मेगापिक्सल का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेप्थ सेंसर आएगा क्योंकि एक लेंसेज से ही कम हो जाता है। मुझे लगता है कि इसके साथ एक टेलीफोटो लेंस आने वाला जो कि 8 मेगापिक्सल वाला होगा। और उसी के साथ अगर बात करें इसके अदर स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है वाटर ड्रॉप डिजाइन आएगा इसका पूरा डिस्प्ले में, और उसी के साथ ही 6.4 इंचेस के साथ एमोलेड डिस्प्ले आएगा जिसका रेजोल्यूशन होगा 1080p और इसका जो रिफ्रेश रेट होगा वो 60Hz ही होगा। और उसी के साथ अगर बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर बिल्कुल सेम बैटरी देखने को मिलेगा 60 के जैसा, जो कि होगा 3700 मिली एम्पायर वाला बैटरी। और इसके साथ जो चार्जर आएगा वो भी सेम 20 वाट का डैश चार्जर ही आएगा, कोई भी वेब चार्जर नहीं आएगा, तो ये बात आप नोट कर लेना। और उसी के साथ इसका जो प्राइसिंग भी होगा वो बिल्कुल सेम होगा जैसे कि पहले OnePlus 60 38,000 में लॉन्च हुआ था लॉन्च इवेंट पर, तो उसी की तरह इसका बेस वेरिएंट का प्राइसिंग स्टार्ट होगा जो कि होगा 6GB 128GB रोम वाला वेरिएंट। तो यहाँ पर और कुछ खास बात करने के लिए नहीं है, वही सेम होगा, हेडफोन जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर देखें रिसेंट लीक्स की ओर तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि OnePlus 7 में स्टीरियो स्पीकर आ सकता है, तो यह बहुत ही बढ़िया अपग्रेड होगा क्योंकि अगर बात करें OnePlus 60 की तो उसका सिंगल स्पीकर उतना अच्छा नहीं था जितना कि अदर फ्लैगशिप वाले फोन के स्पीकर होते हैं। तो अभी जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग और इसका रैम रोम वेरिएंट बताया हूं, तो ये होगा OnePlus 7 और ये होगा पहले के जैसा फ्लैगशिप किलर। लेकिन उसी के साथ ही एक फ्लैगशिप फोन भी आएगा जो कि होगा OnePlus 7 Pro, जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे हैं। तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें चेंजेस होने वाला है, मतलब आप अगर OnePlus 7 एंड 7 Pro को देखोगे तो आपको एकदम बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म फैक्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, सबसे पहले और आपने उनके न्यू ट्वीट्स पर और यूट्यूब चैनल पर देखा होगा ऑफिशियल वाले चैनल पर, उन्होंने एकदम हल्के हल्के साइड से एजेस से दिखाया जो कि एकदम कर्व है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब इसका जो डिस्प्ले होगा एकदम कर्व होगा। और उसी के साथ इसका जो रियल डिजाइन है वो फोटो लीक हो चुका है चाइनीज सोशल मीडिया पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर सारे स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन वगैरह मॉडल वगैरह एकदम ट्रूली यहाँ पर दिखाया गया जो कि एकदम ट्रू फोन है। तो जैसे कि देख सकते हो इसका डिस्प्ले ना कि सिर्फ और सिर्फ कर्व होगा और उसी के साथ ही 2K वाला डिस्प्ले होगा, मतलब QHD प्लस का डिस्प्ले होगा। और उसी के साथ ही साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा, मतलब आप सोच के देख सकते हो कि 60Hz में हम अगर गेम खेलते हैं पबजी को तो कितना ज्यादा मजा आता है, और उसी के साथ ही 90Hz का डिस्प्ले, मतलब ओ माय गॉड कैसा होगा आपको मैं बता नहीं सकता। हालांकि रेजर फोन के 120fps के जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 60fps से बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होगा 90Hz का डिस्प्ले। तो मुझे तो इसका बहुत ही बेसब्री से वेट रहेगा कि 90Hz के डिस्प्ले पर पबजी खेलने में कैसा लगेगा। और उसी के साथ ही डिस्प्ले की अगर बात ही कर रहे हैं तो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला होगा, जैसे कि आपको पहले देखने को मिला था OnePlus 60 में इन डिस्प्ले
डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि ऑप्टिक सेंसर था, अल्ट्रासोनिक वाला नहीं था सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरह। हालांकि इसका जो ऑप्टिक सेंसर है ये उतना ज्यादा फास्ट नहीं है, आपने देखा होगा OnePlus 60 में, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है OnePlus से कि इसको अपग्रेड करके लाएगा, मतलब इसका वर्जन 2 भी ला सकता है, मतलब ऑप्टिक फिंगरप्रिंट जो सेंसर है इसका लेटेस्ट वर्जन भी ला सकता है, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छे से काम करे। तो डिजाइन की अगर बात करें तो आपने देखा होगा इसका जो डिस्प्ले होगा ये फुल कर्व डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई कैमरा वैमरा नहीं है, तो आप इसको एकदम 100% श्योरली कह सकते हो कि इसका जो सेल्फी कैमरा होगा वो पॉप आउट वाला होगा। और आपने इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि साइड से जब दिखाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा कट आउट देखने को मिलता है हमें पॉप आउट कैमरा का, जो कि एकदम श्योरली पॉप आउट कैमरा का कट है। और इसका जो पॉप आउट वाला कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल f1.9 एपर्चर वाला होगा। और उसी के साथ ही अगर बात करें इसके बैक कैमरा की, तो हर एक फ्लैगशिप की तरह इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें इसका प्राइमरी लेंस की, जो कि होगा 48 मेगापिक्सल का, लेकिन आप अगर इसके लेटेस्ट लीक्स की ओर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा, लेकिन इसका जो एपर्चर है यह f1.6 वाला एपर्चर होगा। तो मुझे ये ठीक से पता नहीं कि ये कौन सा वाला सेंसर होगा, लेकिन 48 मेगापिक्सल के साथ f1.6 वाला एपर्चर होगा। और उसी के साथ ही 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही हार्ड होने वाला अल्ट्रा वाइड इस फोन में। और लास्ट में जो कैमरा होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल वाला टेलीफोटो वाला लेंस, मतलब आपको यहाँ पर 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही हार्ड होने वाला है। और उसी के साथ अगर बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, ना कि 3700 mAh की बैटरी जो कि आपको OnePlus 7 में देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो डिस्प्ले होगा वो 2K का डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज के साथ, तो इसका जो बैटरी कंजम्पशन होगा वो OnePlus 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब OnePlus 7 थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू OnePlus 7 Pro बैटरी के मुकाबले, क्योंकि 2K रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा पावर कंजम्प करेगा कंपेयर टू 1080p वाला डिस्प्ले जो कि 60 हर्ट्ज में चलता है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि बाकी गेमिंग फोन की तरह इसमें भी वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन होगा कि इसको आप 90 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज भी कर सकते हो। लेकिन इस फोन में भी आपको कुछ चीजें मिसिंग देखने को मिलेगा जो कि दूसरे फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलता है, जैसे कि IP सर्टिफिकेशन, मतलब वाटरप्रूफ यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि पानी के छींटे वगैरह ये झेल लेगा, लेकिन पूरी तरीके से IP सर्टिफाइड नहीं होगा। और उसी के साथ यहाँ पर आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, ना कि OnePlus 7 ना कि OnePlus 7 Pro में। और उसी के साथ इसमें कोई भी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ आपको मिलेगा 30 वॉट का वर्ब चार्जर, जो कि आपको OnePlus 60 के McLaren एडिशन में देखने को मिला था। और उसी के साथ इसमें OnePlus 7 की तरह आपको Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा पीछे और सामने भी, और पीछे का जो डिजाइन होगा वो पूरी तरीके से ग्लास का डिजाइन होगा। और उसी के साथ ही प्रोसेसर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एज ऑब्वियसली इसमें भी हमें Snapdragon के 855 वाला प्रोसेसर विद Adreno 640 वाला GPU देखने को मिलेगा, जो कि एकदम बहुत ही हार्ड होगा। आप सोच के देख सकते हो Snapdragon के 855 Adreno 640, उसी के साथ ही 2K का डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच होने वाला है। और हम अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा खास फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको UFS 3.0 वाला स्टोरेज सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट है। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी हमें Samsung के Galaxy Fold में ही देखने को मिला है, जो कि एकदम बहुत ही ज्यादा फास्ट है इसके प्रीवियस मॉडल का। तो आप अगर एक बार ध्यान से देखोगे और सोचोगे कि ये जो बार बार बोल रहे OnePlus वाले एडवर्टाइजमेंट में स्मूथ एंड फास्टर, ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें UFS 3.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट है इसके प्रीवियस वर्जन से। और उसी के साथ इस फोन के कलर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3 कलर वेरियंट देखने को मिलेगा, जो कि होगा ब्लू, ग्रे एंड ब्राउन। और उसी के साथ ही लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus 7 एंड 7 Pro लॉन्च के कुछ ही दिनों के बाद ये OnePlus 7 एंड 7 Pro का एवेंजर वाला एडिशन भी लाने वाला है, जिसके साथ आपको 10 या 12GB रैम और 1.5TB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि आपको नोट 9 में देखने को मिलता है। और उसी के साथ अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर वर्जन की, तो ये एज ऑब्वियसली एंड्रॉइड 9 पाई विद ऑक्सीजन OS के साथ आएगा, जो कि बहुत ही फाड़ होने वाला है। और बहुत ही जल्दी ये एंड्रॉइड 10 का भी अपडेट दे देंगे। और उसी के साथ ही लास्ट में सबसे कर्वी बात जो कि है इसका प्राइसिंग, आप अगर सुनोगे तो आपको लगेगा यार थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि अगर बात करें OnePlus 7 Pro की वेरिएंट की, तो ये डायरेक्टली स्टार्ट होगा 8GB रैम से, जो कि होगा 8GB प्लस 256GB रोम वाला वेरिएंट, जिसका प्राइसिंग स्टार्ट होगा 48,999 से, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन रिसेंट लीक्स के अकॉर्डिंग, जो कि मतलब बहुत ही ट्रू माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये डायरेक्टली स्टार्ट होगा $750 से, मतलब आपको 52 तक पहुंच जाता है आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे। और ये बात तो बहुत ही ज्यादा पक्की है कि OnePlus 7 या OnePlus 7 Pro के कोई भी McLaren एडिशन या न्यू एडिशन के आने से पहले इसका एवेंजर एडिशन आने वाला है। तो आप अगर बहुत ही ज्यादा एवेंजर के फैन हो तो आप इसके लॉन्च के बाद तुरंत ही बात इसको फोन को मत खरीदेगा, क्योंकि एवेंजर एडिशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। और उसी के साथ अगर बात करें इसके रिलीजिंग डेट की, जो कि लॉन्च होने जा रहा है 14th मई को, और सबसे मजेदार और सबसे औसम बात तो ये है कि ये 3 कंट्री में लॉन्च होने जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से हमारे इंडिया भी आता है, मतलब बहुत ही औसम होने वाला है। तो ये लॉन्च होने जा रहा है 14th मई को, एक साथ न्यूयॉर्क में, लंदन में, और उसी के साथ हमारे इंडिया के बेंगलोर में। तो आप अगर इसके लाइव इवेंट को अटेंड करना चाहते हो, जो कि 14th मई को बेंगलोर में होगा, तो आप इसके पास को बहुत ही जल्दी खरीद लेना, क्योंकि ये बहुत ही जल्द
सोल्ड आउट हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो और ये जो मैंने आपको लीक्स बताया हूँ, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग एंड डिजाइन वगैरह, ये सारे आपको पसंद आया होंगे। अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपका क्या थॉट्स है वन प्लस 7 एंड 7 प्रो के रिगार्डिंग उसको भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते हो। और उसी के साथ इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड की और जो कि वन प्लस 7 को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा देना। और आखिर में इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया है दोस्तों, इस तरह के वीडियो आप अगर और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप देख पाए इस तरह के क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले। सो मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।